Assalamu alaikum students. Today we will do a new topic of social studies subject, and that is unit 4, building houses, page 40. Now open book page 40. First of all, write down midterm and date on the top of the page 40. Today our topic is buildings. Buildings mean imarate. Building houses, gharo ki tamir. Do you know students what is house? People all over the world live in houses. Duniya ke sare log gharon mein rehte hain. Now what is house? A house is a place where a family can live together. Ghar wo jagah hoti hai jahan pe khanadan ikatte rehte hain. It is a place, ye wo jagah hoti hai where people can keep their things safely. ये वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपनी चीजों को महफूज रख सकते हैं. Now what is the work of house? अब ये घर जो है वो क्या काम करता है, किस लिए यूज होता है? A house keeps us warm when it is cold outside. घर जो है वो हमें गर्म रखता है, ठीक है? When it is cold outside, जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. Means सर्दी के मौसम में हम अपने घरों में गर्म रहते हैं. घर हमें बाहर ठंड से महफूज रखती है. And cool, और ठंडा रखती है. When it is warm outside, जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. When it is rain, और जब बारिशें होती है. A house keep us dry, तो घर हमें खुश्क रखती है. It's mean that a house keep us and protect us from heat, cold, rain, right? घर जो है वो हमें गर्मी, सर्दी और बारिशों से बचा के रखती है, महफूज रखती है. Small houses have only one or two rooms. छोटे घरों में या तो एक या दो कमरे होते हैं. But big houses have more. लेकिन बहुत बड़े घरों में ज़्यादा कमरे होते हैं. They may have a drawing room. उसमें drawing room भी होती है. A dining room भी होती है. Bedrooms, उसमें bedrooms भी होते हैं, bathrooms भी होते हैं. And a kitchen, और उसमें एक बावर्ची खाना भी होते हैं. Some houses also have a garden. कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पे बाग भी होते हैं, ठीक है? किसी के घर में बड़ा सा बाग होता है, किसी ने अपने लिए small garden बनाया होता है. Have you seen how houses and buildings are made? क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि ये घर और इमारतें किस तरह बनते हैं? अगर नहीं देखे तो आज हम इस यूनिट में देखेंगे कि ये घर और बिल्डिंग किस तरह बनते हैं और कौन कौन से लोग इसके बनाने में शामिल होते हैं. यहाँ पे इस पिक्चर्स में आप मुख्तलिफ किस्म के बिल्डिंग और हाउसेस देख सकते हैं. ये फ्लैट्स हैं, ठीक है? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसमें ये छोटे छोटे फ्लैट्स हैं.
ठीक है, छोटे छोटे घर है. एंड दिस इज अ विलेज हट, ये गांव की एक झोपड़ी सी है जो मिट्टी से बने होते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये ज़ेरे तामीर है और डबल स्टोरीज है. ठीक है, यस डबल स्टोरीज है. ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, सम बिल्डिंग्स मटेरियल्स. अब बिल्डिंग और घरों के हाउसेस के बनाने में जो मवाद हमें चाहिए होती है वो हम आगे पढ़ेंगे. राइट, हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन, घर जो है वो पत्थरों से बनाया जाता है, ब्रिक्स ईंटों से बनाया जाता है, एंड सीमेंट और सीमेंट से बनाई जाती है. मैनी अदर मटेरियल्स आर आल्सो यूज्ड, इसमें दूसरे मवाद भी इस्तेमाल होते हैं. व्हेन अ हाउस इज़ बिल्ट, जब एक घर बन जाता है, डीप होल्स आर डग फॉर द बेस, जब एक घर बनाया जाता है तो सबसे पहले उनके लिए गहरी सुराखें खुदाई की जाती है. ठीक है, ताकि नीचे से उसका बेस बने, और उन बेस में वो क्या डालते हैं, एंड कंक्रीट इज पोर्ड ऑन इट, और उसमें फिर कंक्रीट्स डालते हैं. व्हाट इज कंक्रीट, कंक्रीट इज अ मैड ऑफ वेरी स्मॉल स्टोन मिक्स्ड विथ सीमेंट. अब कंक्रीट किस तरह बनाए जाते हैं, कंक्रीट को सीमेंट और स्टोन्स, ठीक है, इसका मिक्सचर बनाया जाता है, इनको मिक्स किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, और फिर उनको उस दीवारों के उस खुदाई के बुनियाद में बेस में डाल देते हैं, ताकि नीचे से इनका बेस स्ट्रॉन्ग हो तो हम इन पे और भी आबादी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. दिस गिव्स द हाउस अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और जब हम बेस में कंक्रीट मिला देते हैं तो ये एक मजबूत बुनियाद बन जाता है, इसके ऊपर हम और भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. इनको हम डबल स्टोरी भी बना सकते हैं, थ्री स्टोरीज भी बना सकते हैं. ठीक है, जिस तरह की आप इस बिल्डिंग में देखें, अब इनका बेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, तो इसके ऊपर देखिए कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है. ठीक है, तो ये बेस जो है फाउंडेशन, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं अपने हाउसेस और बिल्डिंग्स का. आयरन और स्टील इज यूज्ड फॉर पिलर्स इन द वॉल, दीवारों में. ठीक है, हम क्या ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लोहा या स्टील सुतूनों के लिए इस्तेमाल की जाती है. ठीक है, जिस तरह स्टील होता है तो उसके पहले पिलर बनाए जाते हैं, फिर उनको कंक्रीट और सीमेंट उस चीज़ों से उसके मिक्सचर से उनको भरते हैं, तो वो उससे एक पिलर बनाते हैं. ठीक है, ताकि वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो. द पिलर्स होल्ड अप द रूम, और जो पिलर्स होते हैं, जो सुतून होते हैं, ये घर के छतों को मजबूत रखते हैं. वुड इज आल्सो यूज्ड फॉर डोर्स एंड विंडोज इन बिल्डिंग, वुड लकड़ी जो होती है वो इमारतों के खिड़कियों और दरवाज़ों में भी इस्तेमाल होती है. नाउ लुक एट हियर, here are the names and the picture of some materials: cement, stone, steel, bricks, clay and wood. Right, now our next topic is about the builders. पहले तो हमने अब houses और building के बारे में पढ़ा. ठीक है, फिर हमने उनके
मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आगे उनके बिल्डर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आगे इनके बिल्डर्स के बारे में कि कौन कौन से लोग बिल्डिंग और हाउस के बनाने में, ठीक है, कि कौन कौन से लोग इसके बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्डर्स, बिल्डर्स मीन बनाने वाले या मेहमान। मैनी पीपल हेल्प टू बिल्ड हाउसेस, बहुत सारे लोग, कई लोग एक घर के बनाने में मदद करते हैं। नंबर फर्स्ट, द पर्सन हु फर्स्ट वर्क्स ऑन अ हाउस इज एन आर्किटेक्ट, सबसे पहला शख्स जो काम करता है वो कहलाता है आर्किटेक्ट, नक्श निगाह, जो उस घर का नक्शा बनाते हैं, जो मैप बनाता है, ठीक है। दैट पर्सन इज कॉल्ड आर्किटेक्ट। लुक एट इन दिस पिक्चर, दिस मैन इज एन आर्किटेक्ट। फर्स्ट ही ड्रॉज द मैप ऑफ अ बिल्डिंग आर अ हाउस, ठीक है। बिफोर ऑल द अदर वर्क बिगिन, सारे काम शुरू करने से पहले एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन द न्यू हाउस। आर्किटेक्ट जो होता है नक्श निगार, वो सबसे पहले नए घर का खाका बनाता है, नक्शा बनाता है, एंड ड्रॉज पिक्चर्स ऑफ इट, और उसकी जो है वो तस्वीर बनाता है। एन आर्किटेक्ट मेक्स अ प्लान विच हेल्प्स अदर वर्कर टू डू देयर जॉब। आर्किटेक्ट जो होता है नक्श निगार, ठीक है, सबसे पहले वो एक प्लान बनाते हैं, मंसूबा बनाता है, ठीक है, कि कहाँ पे रूम्स होने चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए, कहाँ पे वरांडा होना चाहिए, कहाँ पे गेट होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, ठीक है। तो सबसे पहले वो प्लान करता है, डिज़ाइन करता है, मंसूबा बनाता है, और फिर उसके बाद जो बाकी काम करने वाले हैं वो उस पर अपना काम शुरू कर देते हैं। लुक एट हियर, जिस तरह की ये अब डिजाइन कर रहा है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट पर्सन, अ प्लम्बर, नलसाज, जो नलके ठीक करता है, जो पाइप्स लगाते हैं, जो टेप्स नलके लगाते हैं, ठीक है, सारा पानी का कनेक्शन का काम करता है, दैट इज कॉल्ड प्लम्बर। अ प्लम्बर फिट्स ऑल द पाइप्स एंड टेप्स, नलसाज जो होता है वो सारे नलके और पाइप्स नस्ब करता है, ठीक है। घर में आपके जितने भी पाइप्स हैं, टेप्स लगी हुई हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स गए हुए हैं, ठीक है, तो आपके ख्याल में ये किसने किया होगा? यस, प्लम्बर ने की है, ठीक है, नलसाज, प्लम्बर। नेक्स्ट इज अ ब्रिकलिन वर्क बेक्स ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग द वॉल्स, जो ईंटें बनाने वाला होता है वो एक बिल्डिंग के लिए, इमारत की दीवारों को खड़ा करवाने के लिए, बनाने के लिए क्या करता है, ईंटें पकाता है, ठीक है। पकाने का मतलब ये नहीं कि वो जिस तरह मम्मा कुकिंग करती है उस तरह पकाता है, नहीं, सबसे पहले ये मिट्टी लेता है, उसको गूंथते हैं, ठीक है, फिर एक सांचा सा होता है ब्रिक्स का, उसमें मिट्टी डालते हैं, ठीक है, तो फिर उसको धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि जब वो थोड़ा सा वो जम जाता है तो फिर एक भट्टी सी होती है जहाँ आग लगी होती है, ठीक है, फिर उसके अंदर वो सारे ब्रिक्स डाल देते हैं तो वो वहाँ पे बेक हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो तभी फिर घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए वो रेडी होते हैं, ठीक है। ओके, अ लेबरर डेक्स, और जो मजदूर होते हैं उनके साथ
वो डिक्स खुदाई करते हैं, ठीक है, लिफ्ट्स उठाने का काम करते हैं, चीज़ें उठाना, जिस तरह अब ये ईंटें वगैरह उठा रहे हैं, ठीक है, कैरीज थिंग्स, चीज़ें ले जाने और लाने में मदद करते हैं, एंड हेल्प्स द अदर वर्कर्स, और जो बाकी दूसरे काम करने वाले होते हैं उनकी मदद करते हैं, ठीक है। इस तरह ब्रिकलेयर होता है, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो ये लेबरर जो है उनके लिए ब्रिक्स ईंटें लाते ले जाते हैं, उनके लिए सीमेंट और स्टोन्स वगैरह वो क्रश, ठीक है, उसका मिक्सचर बनाते हैं तो वो लाते ले जाते हैं, क्लियर। तो ये काम होता है लेबरर मज़दूरों की। नेक्स्ट है कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर को तो आपने तकरीबन देखा भी होगा कि वो लकड़ी से काम करते हैं, ठीक है, विंडो, डोर्स, टेबल्स, चेयर्स, सब कुछ बनाते हैं। अ कारपेंटर मेक्स द विंडोज़ एंड डोर्स। कारपेंटर जो बड़ाई होता है वो विंडोज़, खिड़कियाँ और डोर्स बनाते हैं। ही वर्क्स विद वुड, वो अपना सारा काम वुड से करता है, ठीक है, लकड़ी से करता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ एन इलेक्ट्रिशियन, पुट्स इन ऑल द वायर्स एंड द प्लग पॉइंट। इलेक्ट्रिशियन जो बिजली का काम करने वाला होता है वो सारे घर में वायर्स तारे जो है वो बिछा देते हैं और उनको फिर जगह जगह पे जॉइंट भी करते हैं और सारे प्लग पॉइंट पे उनको जॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सारे घर में बिजली की जो फिटिंग होती है वो इलेक्ट्रिशियन करता है। अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स एंड द वुडन फ्रेम। जो पेंटर होता है, जो रंगसाज होता है, वो सारे वॉल्स को, सारे हाउस को, सारे बिल्डिंग्स को कलर करता है, पेंट करता है, रंग देता है, ठीक है, जो हमारे पसंदीदा होते हैं वही देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डोर्स, विंडोज़ के जो फ्रेम्स होते हैं उसको भी कलर करता है, डोर को भी कलर दे देता है, ठीक है। तो ये सारा काम होता है पेंटर रंगसाज का। द नेक्स्ट इज़ द प्लेस्टरर, जो प्लेस्टरर होता है, ठीक है, दीवारों पे जो प्लेस्टर करता है। अ प्लेस्टरर कवर्ड द वॉल्स विद अ स्मूथ लेयर ऑफ प्लेस्टर। जो प्लेस्टरर होता है तो वो दीवार को एक बहुत ज़्यादा नरम तह, प्लेस्टर के नरम तह से उसको डांप लेता है, ठीक है, तो वो ब्रिक्स जो है वो उसमें चुभ जाते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ा कि एक घर के या बिल्डिंग के बनाने में कौन कौन से लोग काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग का काम कर लेते हैं। सम ऑफ दीज वर्कर आल्सो डू रिपेयर वर्क, ठीक है, कुछ जो है इनमें से दोबारा रिपेयरिंग का काम भी करता है। फॉर एग्जांपल, घर में टेप्स, पाइप्स, वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं, या वॉल्स की जो पेंटिंग ख़राब हो जाती है, प्लेस्टर ख़राब हो जाती है, तो ये लोग दोबारा उसको रिपेयर करते हैं, मुरम्मत करते हैं। एंड मेक अदर थिंग्स, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी बनाते हैं, जिस तरह कारपेंटर है तो हाउस बिल्डिंग्स के लिए वो तो विंडो और डोर्स बना देते हैं, लेकिन आगे जाके फिर वो क्या करते हैं, इसके अलावा छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनाते हैं, जैसे टेबल चेयर्स हो गए। दे मेक स्मॉल थिंग्स लाइक टेबल्स एंड चेयर, दे हेल्प टू बिल्ड बिग थिंग्स लाइक डेम्स, फैक्ट्रीज एंड ब्रिजेस। इसके अलावा वो लोग जो होते हैं वो बड़े बड़ी चीज़ें बनाने में भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जिस तरह डैम हो गए, ठीक है, कारखाने हो गए, और जो ब्रिजेस पुल है उनके बनाने में भी मदद करते हैं। अभी तो हमने पढ़ा बिल्डिंग हाउसेस के बारे में और उनके जो बिल्डर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। अब जो बिल्डर्स जो टूल यूज़ करते हैं, जो आलात यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड अदर वर्कर्स ऑल नीड टूल्स, ठीक है। बड़े
नलसाज, बिजली का काम करने वाला और जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं, उन सब को आलात की ज़रूरत होती है, टूल्स, आलात, ठीक है, बगैर उसके काम नहीं कर सकते। जिस तरह स्टूडेंट्स की भी कुछ टूल्स होते हैं, टीचर्स की भी होते हैं, जिस तरह स्टूडेंट बगैर पेंसिल के, रूलर के राइटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो उनकी टूल्स हो गए। तो इसी तरह ये लोग भी कुछ आलात औजार के अलावा बगैर काम नहीं कर सकते। टूल्स हेल्प देम टू डू देयर वर्क, ठीक है, टूल्स की मदद से वो अपना काम करते हैं। मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, कई हजारों साल पहले, लोग पीपल डिड नॉट हैव टूल्स, लोगों के पास आलात औजार नहीं थे। दे यूज देयर हैंड्स टू डू एवरीथिंग, वो अपने हाथों से ही हर एक काम करते थे। टुडे पीपल आर वेरी क्लेवर, आज कल लोग बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। दे हैव इन्वेंटेड टूल्स टू मेक देयर काम ईजियर, उन्होंने अपने काम को आसान बनाने के लिए कई आलात औजार इजाद किए। हु यूज इज़ द टूल्स, वट आर दे यूज, राइट? नाउ लुक एट हेयर, दिस इज हैमर, प्लम्ब लाइन, ड्रिल, जिसको आप लोग ड्रिल मशीन भी बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर, जो पेचकस होता है, चेजल, सॉ, आरी, प्लेन, ये ज़्यादातर कारपेंटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, पाइलर्स, पाइप रेंच, फाइल, ट्रोवल एंड स्पैनर। सेफ्टी, जो हिफाजती इकदाम होती है कि इन टूल्स के इस्तेमाल में हमने क्या करना है, सेफ्टी रूल्स, ठीक है। टूल्स आर यूजफुल बट यू कैन हर्ट यूअर सेल्फ इफ यू यूज देम बैडली। टूल्स तो फ़ायदेमंद होते हैं, मुफीद होते हैं, लेकिन अगर आप इसको बुरी तरीके से इस्तेमाल करें तो अपने आप को ज़ख्मी भी कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ देम, इनका ख्याल रखें, यूज़ देम ओनली फॉर द जॉब दे वर मेड ऑफ फॉर, ठीक है, और उसको उस काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वो बना हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। व्हाट मटेरियल्स आर हाउसेस मेड ऑफ, कौन कौन से मटेरियल हाउसेस के बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं? ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, सैंड एंड वुड। व्हाट पार्ट्स ऑफ योर हाउस आर मेड ऑफ वुड, आपके घर का कौन सा हिस्सा जो है वो वुड से बना हुआ है? विंडोज एंड डोर्स। विच ऑफ द जॉब अबव वुड लाइक टू डू, ठीक है, यहाँ पे हमने जो डिफरेंट जॉब्स के बारे में पढ़ा उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है? विच ऑफ द टूल अबव हैव यू सीन, इन टूल्स में आप लोगों ने कौन से टूल को देखा है और यूज़ भी किया हुआ है, राइट? Now the next exercise is try to answer these questions about your house, ठीक है, आप लोगों ने अपने घर के बारे में आंसर देने हैं वन आर टू वर्ड्स में, राइट? व्हेन वाज इज इट बिल्ट, ये कब बना है? डज इट हैव अ गार्डन, क्या इसमें गार्डन है, येस या नो? वेयर आर द कार्स पार्क, अगर आपके पास कार है तो आप उनको कहाँ पे पार्क करते हैं? हाउ मैनी रूम्स डज इट हैव, इसमें कितनी रूम्स हैं? हाउ मैनी पीपल लिव देयर, और इसमें कितने लोग रहते हैं?
The next exercise, look at these houses. They are houses in other countries. Talk about them and find out what they are made of. ठीक है कि ये किस किस चीज़ से बनी हुई है. नंबर फर्स्ट है इग्लू. ये ज़्यादातर स्नोई एरिया में होते हैं और ये स्टोन से बने होते हैं. स्ट्रॉ हट जो वुड एंड ड्राइड ग्रास स्ट्रॉ से बने होते हैं. यर्ड खेमा होता है. ठीक है एंड लॉग कैबन जो लकड़ियों से बना होता है. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नेम द पर्सन हु पुट्स इन द पाइप्स एंड टेप्स. टेप्स और पाइप्स कौन लगाते हैं? प्लम्बर. वर्क्स विद वुड कारपेंटर. ओके वर्क विद वुड कारपेंटर. डिज़ाइन द हाउस आर्किटेक्ट. कैरीज लिफ्ट्स हेल्प एंड डेक्स लेबरर. डज द इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिशियन. बिल्ड्स द वॉल विद ब्रिक्स ब्रिकलेयर. पुट्स प्लेस्टर ऑन द वॉल प्लेस्टरर. ओके यू ऑल्सो यूज टूल्स फॉर रीडिंग राइटिंग एंड ड्राइंग. योर बुक्स पेंसिल ब्रशेज एक्सेट्रा आर योर टूल. लिस्ट द टूल यू यूज वाइल स्टडिंग. माई टूल्स बुक्स नोटबुक्स पेंसिल एंड रूलर. ओके द एक्टिविटी इज ड्रा पिक्चर्स ऑफ एनी सिक्स टूल्स इन योर नोटबुक. इस तरह के मैंने पहले ही बताया है कि एक्टिविटी के लिए आप लोगों ने ड्राइंग की कॉपी लेनी है और उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है. ठीक है तो ये भी आप लोगों ने उसी ड्राइंग की नोटबुक में एक्टिविटी नोटबुक में करनी है. ड्रा पिक्चर ऑफ एनी सिक्स टूल्स इन योर नोटबुक. दिस वन इज़ योर एक्टिविटी.